आपके लिए मेंस का मटेरियल है लगभग कम से कम एक क्वेश्चन। इसमें चार पांच चीजें हैं, उनमें से एक ना एक मेंस में जरूर टक। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन थ्री, एम आई राइट? इसे हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज बोलते हैं। जैसा तुझे पता है हर कानून में एक धारा होती है जिसमें पूरी परिभाषाएं होती हैं। ज्यादातर कानूनों में ये धारा दो में होती है, लेकिन इसमें और एविडेंस एक्ट में धारा तीन में। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब ये है कि ये जो सेक्शन में जो वर्ड बताए गए हैं, जब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे और वे वर्ड अगर आएंगे तो उनका मीनिंग क्या है। हर कानून में का एक पर्पज होता है उसे बनाने का, है ना? और बनाने का पर्पज होता है तो उसमें जो कुछ भी नई चीजें ऐसी जो सामान्य तौर पर आम आदमी की परिभाषा में नहीं है, तो कम इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द, लेकिन वो उस लॉ में पर्टिकुलरली उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब एक बड़ा दिक्कत ये कि एक शब्द के अर्थ कई होते हैं, जैसा मैंने शायद आपको कल भी बताया हो या आज बताए दे रहे हैं कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। शब्द का अर्थ हमेशा कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है कि वो बात कही किस कॉन्टेक्स्ट में, है ना, किस तरीके से कही गई है, किस संदर्भ में बात की गई है, उसी हिसाब से उसे लिया जाता है। जैसे एप्रीहेंशन को भी अरेस्ट को भी गिरफ्तारी बोलते हैं और अरेस्ट को भी गिरफ्तारी बोलते हैं। अब वहां एप्रीहेंडेड वर्ड आ गया, तुमने कहा अच्छी क्या होता है, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है। एप्रीहेंडेड माने जो गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमें इंग्लिश की वो कैब साफ है। जिन शब्दों को हम हिंदी में पढ़ रहे हैं उनका इंग्लिश मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। पहली डेफिनेशन दी है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑनलाइन कोई नहीं है ना, तो जैसा कि इसमें पहला डेफिनेशन दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप याद करिए पहले दिन का लेक्चर जब मैंने आपको समझाया था कि प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, है ना। अब इसमें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दी है, डेफिनेशन है बताओ, उसमें तो बस एक एक्सक्लूजन बताया है, नेगेटिव डेफिनेशन, नेगेटिव एस्पेक्ट बताया है उसका। डेफिनेशन हुई कि अचल संपत्ति के अंतर्गत उगती खड़ा कास्ट उगती फसलें और घास नहीं आती, खड़ा कास्ट। कास्ट कहते हैं टिम्बर को, जो मकानों में यूज फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है, जैसे मैं बताता रहा हूँ साल सागौन बीजा, है ना। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये हरे खड़े हुए भी मूवेबल माने, घास जमीन पर हरी खड़ी है फिर भी वो मूवेबल, फसल जमीन पर तैयार खड़ी है या तैयार हो रही है वो मूवेबल है, भले अभी खड़ी है,
क्यों? मैंने रीजन क्या बताया था? आखिरकार उसे कटना है, जबकि वृक्ष कटते हैं। अरे आमतौर पर कोई पेड़ पीपल ईपल के काटता है? बोलो कि बरगद के पेड़ की चारपाई बन जाती है, बनाया वो। तो जैसा मैंने पहले दिन लेक्चर में आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी बताई कि तीन प्रकार की प्रॉपर्टी, दो प्रकार की प्रॉपर्टी इमूवेबल है, लैंड और एवरीथिंग अटैच टू भूमि और भूबद्ध सभी चीजें। फिर तुमसे कहीं भूबद्ध के भी दो मतलब है, अटैच टू अर्थ भी दो प्रकार से है, रूटेड इन टू अर्थ और एम्बेडेड इन टू अर्थ। भूमूलित मतलब जिसकी जगह जमीन में हो, भू निविष्ट जिसको निविष्ट किया गया हो, जिसको डाला गया हो। मूलित है वो नेचुरल प्रोसेस से, रूटेड है वो नेचुरल प्रोसेस से, दीजिए तो डाला। इसके बाद तो फिर वो अपनी नेचुरल प्रोसेस से ही बढ़ा, जहां एक तसला सीमेंट डाल दे बिल्डिंग बन जाएगी। ये मानवीय क्रिया द्वारा बाय ह्यूमन एक्शन है ना, यही इमूवेबल है। और इनके साथ जितनी परमानेंट दूसरी चीजें जुड़ी हुई है वो इमूवेबल है, इसके अलावा सब कुछ मूविंग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट, दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टेस्टामेंटरी और नॉन टेस्टामेंट। टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट एक ही होता है जो वसीयत के रूप में होता है, कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसके शब्दों से यह आशय प्रकट होता हो कि इसे लिखने वाले ने कोई संपत्ति किसी को वसीयत के रूप में दी है तो वो टेस्टामेंट्री कहा जाता है। इसके अलावा सब कुछ नॉन टेस्टामेंट। पहले तो तुम ये समझो इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंस्ट्रूमेंट का मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट। जब हम आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो कन्वेंसिंग की डीड लिखेंगे कि नहीं? हम तुम्हें रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर्ड होगी, क्यों होगी, क्या होगी, रिकॉर्ड रखा जाएगा। अरे बस समझ, तो इसलिए जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, चाहे वो सेल डीड हो, चाहे मोर्गेज डीड हो, चाहे लीज की डीड हो, इन सब को हम इंस्ट्रूमेंट। हर वो दस्तावेज जिसमें अधिकार एक दूसरे को दिए गए हों, एक दूसरे के ऊपर लायबिलिटी डाली गई हो, उसे हम इंस्ट्रूमेंट ही बोलते हैं। उसके लिए जनरल टर्म इंस्ट्रूमेंट। डॉक्यूमेंट का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट का एक प्रकार है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ इसी एक्ट में जो डॉक्यूमेंट लिखे जाएंगे, सेल के, मोर्गेज के, लीज के, एक्सचेंज के, गिफ्ट के, सिर्फ उन्हीं के लिए यह इंस्ट्रूमेंट वर्ड का यूज लिखकर। कोई भी ट्रांसफर, एक नियम है कि कोई भी ट्रांसफर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 कल बताइए, तो नियम है कि 100 रुपए या उससे अधिक की कोई भी संपत्ति अगर ट्रांसफर की जा रही है तो वो ट्रांसफर लिखित
हम इतने भी संतुष्ट हैं, लिखे तो वैसे तो उसमें ये लिखा है लिखित और रजिस्टर्ड होगा, और रजिस्टर्ड होगा तो दो गवाह है ना, ये इतना तो है। अब यहां जो डॉक्यूमेंट पांच प्रकार के बताए गए, यहां इनको उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं कहा, कॉमन यूज में नहीं लिया। जैसे आईपीसी में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपराध है तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, डॉक्यूमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉम्पैक्ट टर्म। तो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिखा है, सेल करने के लिए लिखा गया, गिफ्ट करने के लिए लिखा गया, लिख के लिए। तो जिसमें वो लिखा है उसे हम क्या कहेंगे, लिखत इंस्ट्रूमेंट, इंग्लिश वर्ड इंस्ट्रूमेंट। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज है, आ रहा है। तो लिखत जो लिखकर किया, इंस्ट्रूमेंट अर्थात जो भी काम किया गया है वो रिटेन है, और जहां वो रिटेन है जिस कागज पर, उसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आगे अब इसमें अगली डेफिनेशन है अटेस्टेड, है ना। या अटेस्टेड से मतलब ये नहीं कि किसी गजेटेड ऑफिसर का, यहां क्या अटेस्टेशन का मतलब है वो समझ। जो भी लिखत, विच इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, इफ इट इज नॉट अटेस्टेड इट शैल नॉट बी एडमिसिबल। उस दस्तावेज की कोई वैल्यू, यहां होंगे दो विटनेस कम से कम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दो व्यक्ति यहां विटनेस होंगे, और इंस्ट्रूमेंट को अटेस्ट करें। अटेस्ट करने का मतलब यह है कि उनकी फोटो लग जाएंगी दोनों की, उनके साइन हो जाएंगे, नाम पते लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखना, नहीं गवाह लिखे कि मेरे समक्ष ये दस्तावेज निष्पादित किया गया और मैं इससे पूर्णता सहमत हूं, कुछ नहीं लिखना। अटेस्टेशन का कोई प्रोफॉर्मा नहीं है कि अटेस्टेशन कैसे होगा, अटेस्टेशन तो सिंपल, लेफ्ट साइड में लिखा गवाह नंबर ए, गवाह नंबर दो, साइन करो, नाम लिखो, पता नहीं बात, इसके आगे पीछे कोई शब्द उसमें लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि कोई प्रोफॉर्मा ही नहीं है उसका कि किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो जब कोई फॉर्मेट नहीं है तो नाम, सिग्नेचर, पता, और क्या चाहिए, और उसकी उसकी जरूरत भी क्यों है, उसकी जरूरत तब पड़ेगी कि जब ये पता, ये साबित करना होगा कि ये दस्तावेज लिखा गया, तब वो आके कहेंगे कि हाँ साहब हमारे सामने लिखा गया, तब वो डॉक्यूमेंट प्रूव होगा। उससे पहले डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो गई नहीं, जब तक गवाह दोनों आकर उसमें एविडेंस एक्ट में बताया था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है और वो एविडेंस में पेश किया गया है तो वो तब तक एडमिट नहीं किया जाएगा एविडेंस में जब तक कम से कम एक गवाह आकर उसकी पुष्टि ना, एग्जिबिट हो गई नहीं, सवाल ही नहीं, कैसे एग्जिबिट हो जाएगा जिसका कोई विटनेस नहीं है, वो कैसे एग्जिबिट हो जाएगा। तुम्हारा काम है डॉक्यूमेंट पेश करना,
लेकिन वो एग्जिबिट होगा कि नहीं होगा ये तो कोर्ट तय करेगा यार। तो मैं लग रहा है कि गलत तरीके से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, अपील में चले जाना। आ रहा है इसमें तो अटेस्टेड बाई एटलीस्ट टू पर्सन, कौन से दो व्यक्ति, कोई भी जो हेल्दी हो माइंड से, बिल्कुल स्वस्थ हो और उन लोगों ने वर्ड है एग्जीक्यूटेंट, एग्जीक्यूटर भी कह देते हैं लोग, एग्जीक्यूटर है ना, लेकिन एक्चुअल वर्ड एग्जीक्यूटेंट है, जो किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करता है, जो किसी दस्तावेज को लिखता है। जैसे मैं प्रॉपर्टी तुमको बेच रहा हूं, है ना, तो मैं हूं एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर, क्योंकि मैं तुम्हारे फेवर में उस डॉक्यूमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को, आ रही बात सुन। तो कौन से दो लोग जिन्होंने एग्जीक्यूटेंट को, लिखने वाले को, ट्रांसफर करने वाले को, एग्जीक्यूटेंट को लेखत पर हस्ताक्षर करते देखा है, साइन करते या हैंडराइटिंग में लिखते देखा है, जो जरूरी है दस्तावेज टाइप रिटन हो, हाथ से नहीं लिखे जा सकते। जो मुझे 317 की आवेदन अगर हाथ से लिख के ले जाएंगे तो कौन फेंक दे होगा, फेंक दे बात है, चाहे टाइप से लिखो, हमारी राइटिंग ही इतनी सुंदर है, टाइप क्या लगेगी। हाल के हाल जी लो, तुम क्या करना, हाजरी माफी था, हाजरी माफी जी लो, कागज लिया, हाल लिख के जी पकड़ो। कुल चार पैर रहे हैं यार, कोई बात ही नहीं हो तो जवान पे चढ़े, और अनपढ़ वकील चले जाते हैं बाबू उनके पास, टाइपिस्टों के पास, एक ने टाइप कर दी हो, टाइपिस्ट तो टाइप करते करते उस्ताद हो गए, तो फिर तो तुम बोलो उनसे दावा ड्राफ्ट करा ला, वो दावा ड्राफ्ट कर देंगे। ऐसे ऐसे टाइपिस्ट हुए, ऐसे ऐसे टाइपिस्ट, वो तुम्हें राय देंगे यार इसमें जी और कर लो तुम, नहीं आती। तो कौन से दो लोग, कौन से दो लोग जिन्होंने एग्जीक्यूटेंट, निष्पादक, अंतरक, चलो ट्रांसफर को इंस्ट्रूमेंट पर, या तो इंस्ट्रूमेंट लिखते देखा है, या इंस्ट्रूमेंट पर सिग्नेचर होते देखे हैं, या एग्जीक्यूटेंट ने अपना चिन्ह उनकी उपस्थिति में लगाया, तीनों बात तो हाथ से लिखा है तो भी, टाइप रिटन है लेकिन साइन तो ओरिजिनल होंगे तो भी, और तीसरा है तीन चीजें बताई है, हाँ थंब इम्प्रेशन, सॉरी, अब अनपढ़ आदमी है तो वो साइन क्या करेगा, तो वो थंब इम्प्रेशन। तो वे दो लोग जिन्होंने एग्जीक्यूटेंट को डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते देखा है, या सिग्नेचर करते देखा है, या थंब इंप्रेशन लगाते देखा है, या एग्जीक्यूटेंट ने उन दो लोगों से जाके, क्या उन्हें आवाज गड़बड़ हो रही भाई, ये म्यूट कर लो, कौन का अनम्यूट हो गया ये,
ऑनलाइन अनम्यूट कौन का हो गया है वहां है? ठीक है, अब मैं इसको पढ़ता हूं। अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट, जहां तक किसी लिखत का संबंध है, हिंदी में क्या बोलते हैं अटेस्टेड, अनुप्रमाण, जहां तक किसी लिखत का सवाल है वो अनुप्रमाणित कब मानी जाएगी, उसका मतलब क्या है कि अनुप्रमाणित मीन्स अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव मीन्ड, हमेशा माना जाएगा। क्या लिख रहे हैं, बाय टू और मोर शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव मीन्ड अटेस्टेड, और वो हर हाल में अटेस्टेड माना जाएगा, बाय टू और मोर विटनेसेस, कम से कम दो गवाह। कौन से गवाह, कौन से दो लोग, तो आगे लिखा है ईच ऑफ हूम हैज बीन हैज सीन सॉरी हैज सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स हिज मार्क, मार्क का थम है वो मार्क के लिए हुआ है, बहुत वाइड कन्वर्टेशन। तो साइन और अफिक्स हिज मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट, उन दो लोगों ने उस एग्जीक्यूटेंट को उस इंस्ट्रूमेंट पर सिग्नेचर करते देखा है या अपना चिन्ह लगाते देखा है ना, अफिक्स अपना चिन्ह लगाते, ठीक है, टू द इंस्ट्रूमेंट, किसके ऊपर, लिखत। तो लिखत को जिन्होंने साइन होते देखा है या उस पर चिन्ह लगाते हुए देखा है एग्जीक्यूटेंट को, वे दो लोग उसके विटनेस अटेस्ट करें, ठीक है। आगे तो अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स एंड शेल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव, मतलब अटेस्टेशन इसी तरीके से होगा, अटेस्टेशन का और कोई तरीका ही नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट जो इस एक्ट में लिखे जाएंगे वो अगर अटेस्ट होंगे तो इस तरीके से ही होंगे, इसके अलावा और किसी तरीके से वो अटेस्ट नहीं, ठीक है। मीन्स एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव मीन, हमेशा यही माना जाएगा, हमेशा इसका यही आशय लगाया जाएगा अटेस्टेशन का जो यहां दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बाय टू और मोर विटनेसेस, कम से कम दो गवाह, कौन लोग, हु हैज सीन, जिन्होंने देखा है, किसको, निष्पादक को, एग्जीक्यूटेंट को, साइन और अफिक्स हिज मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट, उस पर अपना हस्ताक्षर कर, एग्जीक्यूटेंट को हस्ताक्षर करते देखा है या अपना चिन्ह लगाते देखा है, अफिक्स हिज मार्क, थंब इंप्रेशन, चिन्ह थंब इंप्रेशन, ठीक है। और हैज सीन सम अदर पर्सन, अब यहां दूसरी बात आई, हमने मुदित को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि मुदित जाओ ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, मुदित एग्जीक्यूट करने गए,
मुदित को साइन करते देखा है कि साहब मुदित ने साइन करे थे ऑन बिहाफ ऑफ राधे श्याम शर्मा बाय दिस पावर ऑफ तो वे दो लोग जिन्होंने निष्पादक को हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है या निष्पादक की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसी दूसरे व्यक्ति को सम अदर पर्सन उसको देखा है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटेंट उस पर साइन करता है जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी हो नहीं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाओ हमारी बंगाली प्रॉपर्टी किराए पर चलाएगा पावर ऑफ अटॉर्नी हो एक अब तो एक साल की ही होती है पहले तो एक बार लिख दी तो जब तक टेंशन नहीं हो जाए बनी रहती अब हर साल नहीं लिख दी जाती है नहीं टेनेंट एग्रीमेंट में पावर ऑफ अटॉर्नी वो एक साल की पहले एक ऐसा होता था कि एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दी हमने जो जो राइट तुम्हें दी थी जब तक हम कैंसिल नहीं कर देंगे तब तक वो तुम्हारी पास लेकिन अब ऐसा नहीं और अब पहले पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं था नोटरी पे भी चल जाती लेकिन अब उसका रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और वो एक साल के लिए अगले साल फिर एक नई पावर ऑफ अटॉर्नी हम तुम्हें दोबारा देंगे दोबारा देंगे है मैं और महंगी हूँ ठीक है तो कौन से दो लोग जिन्होंने निष्पादक को हस्ताक्षर करते देखा है या अपना चिन्ह लगाते देखा है या हस्ताक्षर सॉरी निष्पादक के बिहाफ पर किसी और को उस पर हस्ताक्षर करते देखा है और हैज सीन सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द हमारे सामने हम अनपढ़ आदमी हैं या हमारे दो हाथ है तो ऐसे में हम किसी और को नियुक्त करेंगे तो जिसको हमने नियुक्त किया है एग्जीक्यूटेंट में वो जब साइन कर रहा था तब गवाह मौजूद थे उनके साथ ठीक इन प्रेजेंस ऑफ ठीक है या तो निष्पादक को देखा है या उसके बिहाफ पर किसी और पर अब आगे चलते इसके आगे या और they have not seen the executant or some other person signing or affixing that jinhone dekha halanki likha gaya hai other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant gawah maujood ho us samay ये जरूरी नहीं है लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर या मेरे व्याप पर कोई दूसरा व्यक्ति एग्जीक्यूट कर रहा है किसी डीड को उस समय वहां मेरा मौजूद होना जरूरी है वो मेरी है जाने तुम क्या लिखवाओगे हमें क्या लिखवाना है ये हम तय आ रही है बस क्लियर पढ़ो इन द प्रेजेंस एंड बाई द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वो थर्ड पर्सन पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर किसके डायरेक्शन में काम कर रहा है इसकी जो ट्रांसफरर है एग्जीक्यूटेंट है नहीं समझ में आई बात नहीं आई क्या समझ में आई पूरी डेफिनेशन ही समझ में नहीं आई मैं ये बता रहा हूं कि एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में अगर सम अदर पर्सन
बाई पावर ऑफ अटॉर्नी तुम कर रहे हो ट्रांसफर, तो मेरी प्रेजेंस में जरूरी है, या मैंने तुमको अपना एजेंट बना लिया कि चलो तुम मेरी ओर से इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करो, तो जब वो एग्जीक्यूट करेगा तब मेरा वहां मौजूद होना जरूरी है। कम से कम रजिस्ट्रार को ये तो पता रहे मालिक ये है, ये पावर ऑफ अरे बस नहीं तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर तो चांद इसको मालिक बना के खड़ा कर दिया है, और नाम कर दी प्रॉपर्टी जयराम जी लड़के दो तीन प्रॉपर्टी ऐसी है मुजिद या शहर में ऐसी विवादित है, और लेकिन ऐसे मौके पर हैं आज अरबों भूल बाल पर वो अरोरा की प्रॉपर्टी दिल्ली में है, शहर भर के बड़े बड़े नेता मंत्री पैसे वाले उस जमीन पर इस तरीके से निगाह गड़ाए बैठे हैं, हाय ये कैसे मिल गई है, अगर वो मिल गई तो कितनी जगह भाई साहब एक मॉल बनेगा, मॉल कितनी जगह है, बहुत बड़े बड़े लोग उसको, लेकिन वो अरोरा अमेरिका में है शायद हैं, यही नहीं मुकदमे भी चल रहे हैं शायद उसके, टेनेंसी वाले सब टेनेंसी वाले टाइटल के भी ऐसा है, हाँ यहाँ वो किसको दे गए नहीं, तो उन्होंने किसको यहाँ नियुक्त कर मैनेजर ही करता है, उन्हें कुछ नहीं मालूम अरोड़ा, तो उनसे संपर्क हो सकता है, लगा जाने कोशिश को संपर्क हो सकता है, चलो आगे बढ़ो। Attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have been attested by two or more witnesses, each of whom, उन जिनमें से प्रत्येक ने has seen देखा है the executant sign, तो निष्पादक को sign करते या अपना चिन्ह लगाते, affix is marked, or has seen some other person या किसी अन्य व्यक्ति को निल एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पर, एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पर, जैसे गजट में नोटिफिकेशन निकलते हैं, निकलते राज्यपाल के नाम से हैं सब, लेकिन साइंस सेक्रेटरी की ओर से लेकिन उसमें लिखा रहता है राज्यपाल की ओर से, हमेशा अपन जब किसी और की ओर से साइन करते हैं तो अपने लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है, जब कभी साइन करो किसी और के लिए तो उसका नाम लिख के या ऐसे करके ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम इसके व्याप पर करो, ये बहुत सरकारी दफ्तरों में यूज होता है। ठीक है, और हैज, अच्छा अब तीसरा, दोनों गवाहों ने देखा नहीं, साइन करते या चिन्ह लगाते, गवाह उस समय मौजूद नहीं, एग्जीक्यूटेंट ने डीड एग्जीक्यूट कर दी, लिख दी पूरी, अपने साइन कर दिए, क्रेता के साइन, विक्रेता के साइन, लेकिन उस समय गवाह मौजूद नहीं थे।
अब एग्जीक्यूटेंट पहले विटनेस के पास पहुंचा कि ये साइन हमने कर दिए, ये हमारे साइन है, इसे क्या कहेंगे, एक्नोलेजमेंट, स्वीकार, एक्नोलेजमेंट, मैं एक्नोलेज करता हूं ये मेरे ही साइन, ठीक है। तो अगर एग्जीक्यूटेंट विटनेस के सामने जाकर पर्सनली जाकर अगर वो ये कहे कि ये साइन मैंने किए या मेरी ओर से नूतन ने किए, ये साइन निष्पादक के साइन पर मेरे साइन मैंने कर दिए, ये रहे मेरे साइन इस पे, या मैंने नूतन के माध्यम से ट्रांसफर कराया है, तो साहब ये इनके सिग्नेचर। गवाहों के सामने ये बात एग्जीक्यूटेंट ने एक्नोलेज की, स्वीकार की कि हाँ ये मैंने ही निष्पादित, तो भी वो अटेस्ट कर सकते। तो डॉक्यूमेंट लिख ले जाओ पूरा, साइन करा लो दोनों पार्टी, फिर गवाह के पास पहुंच जाओ, तो भाई अटेस्ट कर दे, अपना नाम पता नहीं आ रही है। दोनों गवाह एक साथ अटेस्ट करें ये भी जरूरी नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, तुमसे करा लिया, फिर इनके कर रहे हैं, इनसे करा लिया, लेकिन जब गवाह टेस्ट करेगा उस समय निष्पादक की मौजूदगी जरूर है। गवाह एग्जीक्यूटेंट के एब्सेंस में अटेस्ट नहीं है, फिर पढ़ते हैं सेक्शन, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो माइंड में मिल सकते लिए, तुम तो ऐसा बिल्कुल हम तो इतना डिटेल बताए दे रहे हैं कि चीज तो मेन से ही बन गया पूरा क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी अटेस्टेशन इज सम डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी टू बी अटेस्टेड एंड व्हाट इज अटेस्टेड इज डिफाइंड इन द सेक्शन 3 ऑफ द टीपीएल एज फॉलोज। इस प्रकार से टू और मोर पर पहले ये लिख देना, और जो तो इस पर पूरा फुल क्वेश्चन आ जाए तो एक एक को टुकड़े में तोड़ो, दो व्यक्ति एग्जीक्यूटेंट साइन करते देखाओ, चिन्ह लगाते जाओ, पॉइंट बनाते जाओ, और दो दो तीन तीन लाइन में लिखते जाओ, जरूरी है कितने लंबे लंबे पैरा बनाओ, दो दो तीन तीन लाइन में इनको डिफाइन करते चले, शॉर्ट में पूरा मटेरियल आगे चलो। अभी बात हो गई क्या, दोनों विटनेसेस का एक साथ होना जरूरी नहीं है, परंतु जब विटनेस अटेस्ट करे उस समय एग्जीक्यूटेंट का प्रेजेंट रहना, इज दैट क्लियर, और अटेस्टेशन का कोई प्रोफॉर्म कोई फॉर्मेट नहीं, कि कछु शब्द लिखे जाएंगे, कोई फॉर्मेट नहीं, सिर्फ गवाह का सिग्नेचर, नाम और पता। क्या हो गया, अरे बड़ा गह रहे इन लोगों में झेल गए। अब मैं पूरी डेफिनेशन को पढ़ता हूं, मैंने आउटलाइन पूरी समझा, लेकिन हिंदी का भी तो यार वेर भाव निकाल रहे हैं। हाँ हमें अपने ही कोरे चाहिए हो ना, कोरे चाहिए आए जाइए। अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है, अभिप्रेत माने आशय, आशय और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा। अटेस्टेशन ऑलवेज
इसी प्रोसेस से माना है, ठीक है। हमेशा जिनमें से किनमें किनके बात हो रही, जिनमें से ऐसे दो या अधिक साक्षी जिनमें से हर एक ने, दोनों कम से कम दो तो है, अपन दो ही लेके चलते हैं और आमतौर पर दो ही होते हैं, कोई चार लेके नहीं जाता, दो मुश्किल से मिलते हैं। हाँ चार दो बहुत है, कम से कम दो लेकर आए तो हम ले आए, कम से कम ज्यादा जा रहा हूं तो 50 ले चले। रो साहब 50 के होंगे गवाह, हम तो 50 विटनेस लाए जो जीत पूरे 50 के होंगे। रही साहब मना कर रहे हो, कह रहे हो भाई साहब दो ही बहुत है कि तुम कहा कर ले सब नहीं साहब हमें तो रही साहब मना कर सकता कि रही साहब नहीं करेंगे, इतने लोगों ने टेस्ट लिया था। नहीं कई बार क्या दिक्कत होती, दो हुए थे दो मर गए अब वो डॉक्यूमेंट कैसे एग्जीबिट होगा यार, क्योंकि एविडेंस एक्ट कहता है जब तक एक अटेस्टिंग विटनेस नहीं आ जाएगा तब तक डॉक्यूमेंट एग्जीबिट नहीं होगा। तो एविडेंस एक्ट में इसका तरीका बताया गया है, वो तरीका ये है, क्या तरीका है, उसके सिग्नेचर दबा के प्रूव कर दो, नमूना हस्ताक्षर ये उसी के साइन में, तो डॉक्यूमेंट दबा मर गए हो दोनों किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अटेस्टिंग विटनेस अगर दोनों मर गए हो और अब जब विवाद आ गया कोर्ट में तो अब वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट और एविडेंस में एडमिट तब होगा जब कम से कम एक गवाह आकर उसे कन्फर्म कर देगा। अब गवाह दो मर गए अब कब है, तो हमको कहीं से उनमें से एक गवाह का सिग्नेचर सैंपल लाना जो अनडिस्प्यूटेड है, जो अनडिस्प्यूटेड सैंपल उसका लाएंगे और वो सैंपल कोर्ट को देंगे कि साहब आप इससे मैच कर लीजिए कि इसी गवाह ने ये मर गया है, ये इसके जैसे वो गवाह सरकारी नौकरी करता है मर गया अटेस्ट कर गया हमारा डॉक्यूमेंट, अब वो मर गया दूसरा भी मर गया, अब गवाह तो है नहीं जो डॉक्यूमेंट को प्रूव कर रहे, तो ऐसे में अब वो सरकारी नौकरी करता था तो उसके ऑफिस में रोज वो साइन करता होगा, उसका बैंक में खाता होगा, वहां जो उसके सिग्नेचर होंगे वो डिस्प्यूटेड होंगे कि एडमिटेड होंगे, वो तो स्वीकार सिग्नेचर है उनपे तो कोई विवाद नहीं है, तो ऐसे अविवादित हस्ताक्षर मंगाए जाएंगे और ऐसे अविवादित हस्ताक्षर से मिलान एविडेंस एक्ट, ठीक है। चल तो क्या लिखा हुआ है, हर एक ने निष्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा है, क्लियर, और या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत अविस्वीकृति पाई है, मतलब गवाहों को के सामने ये अविस्वीकार किया गया है एग्जीक्यूटेंट के द्वारा, एक्नोलेजमेंट माने अविस्वीकृति स्वीकार, तो उनने उस एग्जीक्यूटेंट ने गवाहों के सामने ये एडमिट किया है कि हाँ ये मैंने ही एग्जीक्यूट किया, इसका अर्थ तो क्या कह रहे या निष्पादक से, अब एडमिट कौन करेगा गवाहों के सामने जाके एग्जीक्यूटेंट, तो निष्पादक ने निष्पादक से एग्जीक्यूटेंट से जिन दो गवाहों ने ये सुना है कि ये मैंने लिख मेरे सिग्नेचर है, उन्होंने उन दो गवाहों के सामने स्वीकार किया है कि ये मेरे सिग्नेचर है, नहीं समझा
तो व्यक्तिगत अभिस्वीकृति पाई है, गवाहों को व्यक्तिगत रूप से बताया गया है कि ये साइन मैंने ही, ये है मेरे ही है और तुम इसे अटेस्ट, ठीक है। और जिनमें से हर एक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखित पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन गवाह जब साइन करेगा, अटेस्ट करेगा, उस समय एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस चलेगी। एग्जीक्यूटेंट एग्जीक्यूट करे तब विटनेसेस की जरूरत नहीं है, तब विटनेसेस में प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है। एग्जीक्यूटेंट बाद में भी उनसे कहेगी कि हमने लिखी है, तब भी वो अटेस्ट कर सकते हैं। तो गवाहों के उपस्थिति में लिखा जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन गवाह अटेस्ट करेगा जिस समय, उस समय निष्पादक का मौजूद होना जरूरी है गवाह के सामने। फिर आगे और उन्होंने, किंतु यह आवश्यक ना होगा कि ऐसे साक्षियों में से अधिक एक ही समय पर उपस्थित रहे, एक साथ दोनों करें ये कोई जरूरी नहीं, अलग अलग टाइम भी हो सकता है। और लिखा है अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप आवश्यक नहीं, अटेस्टेशन का कोई प्रोफॉर्मा नहीं, सिर्फ साइन नाम और बाकी ऊपर लिखे कि नहीं आज दिनांक कितने इतने को समय इतने इतने बजे मैं राधे श्याम शर्मा देखता हूं कि निष्पादक ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, अतः मैं ये प्रमाणित करता हूं कि हस्ताक्षर निष्पादक के ही हैं, कछु लिख रही जरूरत नहीं, कोई प्रारूप नहीं, साइन करो, इधर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा विटनेस नंबर वन विटनेस नंबर टू, नंबर वन पे तुम्हारे साइन नाम पता जयराम हो गया, कोई प्रोफॉर्मा, ठीक है। और आखिरी बात आज की कर देता हूँ फिर कल करूँगा, वो ये बात है कि हर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करा दो, यदि किसी भी दस्तावेज की विषय वस्तु का मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक हो, बताया था कल बताया था, वो ओरल नहीं रिटेन और अटेस्टेड और रजिस्टर्ड ही हो, 99 रुपये तक का ओरल, कोई प्रॉपर्टी कोई भी जिसकी वैल्यू 99 रुपये वो ओरल। मान लो हम ये तुम्हें 99 रुपया बेच रहे हैं, अब ओरल ट्रांसफर कब्जा दे दे, ठीक है, क्लियर, कोई इशू। हर इंस्ट्रूमेंट जिसकी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, जिसकी विषय वस्तु का मूल्य 100 रुपया उससे अधिक है, वो लिखत हमेशा रजिस्टर्ड कराई जाएगी। हमारे यहाँ एक कानून बना हुआ है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, उस कानून के तहत हर जिले में एक रजिस्ट्रार बैठता है, हर तहसील में एक सब रजिस्ट्रार होता है, अपॉइंटेड रहते सब हेडक्वार्टर पर ही हैं, और वो सब रिपोर्ट नाला के ट्रांसफर की डीड वो एग्जीक्यूट होती है, उनको रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन एक्ट में धारा 53 में एक रजिस्टर मेंटेन किया है, रजिस्ट्रार का मतलब होता है क्या, जो रजिस्टर मेंटेन कर वो रजिस्ट्रार, सब जगह जान लिया जो रजिस्टर रजिस्ट्रेशन को मेंटेन कर रहा है वो रजिस्ट्रार, ठीक है। और रजिस्ट्रार जो रजिस्टर्ड करता है, रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड कर दिया, ट्रांसफर कंप्लीट, ठीक है। अगले में वही 1.5 लाइन लिखी है, देख है कितने लोग बैठे हैं, कितने हैं,
पांच दो, कल तो दो ही थे। हैं? हाँ, किसी को कुछ कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हाँ, ऑनलाइन है कोई? हेलो, ऑनलाइन बैठे हुए लोग कोई डाउट हो तो पूछें, अपना माइक ऑन कर लें, अनम्यूट कर लें अपने को, और जो कुछ भी डाउट हो माइंड में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो वो पूछ सकते हैं। एनीबडी इज देयर? हाँ, ना में तो जवाब दो यार, अपने म्यूट तो माइक आप अनम्यूट कर लो, क्लास खत्म होगी। हैं? हमारे इससे कनेक्ट नहीं है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड। दोनों से एक साथ कनेक्ट हो जाए। किसको? हाँ, तो ये दो, ये हमारा नेक बैंड दोनों फोन से कनेक्ट हो जाए। ब्लूटूथ चालू है इसको। ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, जैसे ही मैं इसे ऑन करती हूँ। मीटिंग के टाइम मिली बार नहीं। अच्छा, ऐसा है? कनेक्ट करके देखना जरा, ये लोग ऑन जाए नहीं भी। चले ही गए लोग? नहीं, नहीं चले गए। ब्लूटूथ हमारा इसका ऑफ। हाँ, अरे भाई रुको जरा, तुम लोगों की फोटो तो देखें। एक सेकंड रुकना तुम लोग। हाँ बेटा, कौन कौन बैठा है? और वीडियो अपने अपने ऑन करो। हैं? नमस्कार आकाश, कहाँ से? आकाश, अच्छा दिल्ली से? क्यों आकाश, ये क्या नौटंकी है? अच्छा अच्छा अच्छा, और लोग कौन थे ये ऑनलाइन? अपने अपने इंट्रोडक्शन दे के तो जाओ यार, कम से कम हमें। ये विष्णु है, अनूप है, तो दो तुझे ही हो गए, तीसरा आकाश है। बीच में छोड़ दिए? तुम अभी अभी आए हो क्या? तुम्हें लिंक कहाँ से मिल गई? ठीक है, कोई बात, चलो। लेकिन यार चलो, अब चली गई, बात ही खत्म हो गई। चलो ठीक है ना, ये जाए।